हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बोर्ड मास। ओके, अब ये बोर्ड मास जो है ना, मैथमेटिक्स का बैकबोन कहलाता है। ओके, ये बोर्ड मास कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको एक एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में एक क्वेश्चन लिया 2 × 2 + 3। ओके, और फिर दूसरे बंदे को यही क्वेश्चन मैंने दिया। ठीक है, एक बंदे ने क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया 2 × 2 = 4 और फिर एड किया तो इसका आंसर 7 आया। एक बंदे ने क्या किया, पहले जोड़ दिया इन दोनों को, फिर गुना किया, यानी 2 और 3 को पहले ऐड कर लिया, फिर इन दोनों को गुना किया। अब देखिए, एक का आंसर 7, एक का आंसर 10, जो कि इसका आंसर जो आया है वो राइट आया है, इसका आंसर जो आया है वो रॉन्ग आया है। क्यों रॉन्ग आया, क्योंकि इसने बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को, रूल को इसने यूज नहीं किया और इस बंदे को पता था, इसने यूज कर लिया। ठीक है, तो आइए बेसिकली बोर्ड मास होता क्या है, हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से नहीं, माइनस लेवल से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। अब देखिए, बोर्ड मास का नाम में ही इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब देखिए, बोर्ड मास का पहला लेटर क्या है, बी। बी फोर होता है आपका ब्रैकेट, लिखते जाइए। बी फोर क्या होता है जी, मैं आपकी समझा नहीं रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो आप भी क्या करो, लिखो। बी फोर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी मीनिंग होता है कोष्ठक। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका जी, कोष्ठक। अब कोष्ठक जो होते हैं ना, वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। पहला होता है आपका लाइन ब्रैकेट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक हम लोग कहते हैं। ठीक है, रेखा कोष्ठक। सेकंड होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक। ओके, तीसरा होता है हमारा मिडल, MIDDLE, मिडल या कर्ली ब्रैकेट, CURLEY, कर्ली ब्रैकेट, मिडल या कर्ली ब्रैकेट। इसका हिंदी मीनिंग होता है, कई लोग इसे मध्यम, कई लोग मध्यम कोष्ठक बोलते हैं, कई लोग मंझली कोष्ठक भी बोलते हैं, मंझली, कई लोग मध्यम, कई लोग मंझली कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने दोनों मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा लिया। ओके, ताकि आपको कहीं भी पढ़ो, कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, चौथा जो होता है वो होता है आपका बिग ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट जी, बिग ब्रैकेट, नाम से ही पता चल रहा है, बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। ओके, ये आप लिखो पहले। ठीक है, ये सारे का सारे लिखो। अभी मैं इसके, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका वर्क क्या, कैसे हम वर्क करेंगे। चलिए, आपने लिख लिया। ओके, अब देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन लूंगा, एक एग्जांपल लूंगा और आप बताना क्या इसका यूज हम किस प्रकार करेंगे। ओके, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उस पर एग्जांपल लूंगा। ओके, अब देखिए बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले आपको सोचना होता है ब्रैकेट के बारे में। बोलो भाई, बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर उसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, ब्रैकेट। कि क्या दिमाग आना चाहिए, ब्रैकेट, कि ब्रैकेट इसमें दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो कौन कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है और कौन सा ब्रैकेट का पहले काम करना है, ये आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए। तो अगर आपको ब्रैकेट दिया हुआ हो तो याद रखना, सबसे पहले जो ब्रैकेट का काम करोगे आप, लाइन ब्रैकेट का काम करोगे, उसके बाद आप काम करोगे स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद काम करोगे आप मिडल ब्रैकेट का, जिसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, उसके बाद काम करोगे आप बिग ब्रैकेट का। ठीक है, इस प्रकार ये आपको काम करना है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का काम करना है, लाइन ब्रैकेट का। लाइन ब्रैकेट कैसा देखने में लगता है, यार लाइन ब्रैकेट देखने में कुछ इस तरह लगता है, किसी भी सेट्स ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर के ऊपर इस तरह रेकरिंग दिया होता है। मान लो जैसे 4 + 3 × 2 + 4, यहां से यहां तक रेकरिंग दिया हुआ है, तो यही आपका रेखा ब्रैकेट है। ये क्या है भाई, रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, यही आपका है। तो ये आपने समझ लिया रेखा कोष्ठक किस प्रकार होता है, इस तरह रेकरिंग दिया हुआ होता है उस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो ये रेखा ब्रैकेट हो गया। स्मॉल ब्रैकेट होगा कुछ इस तरह, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट हो गया। मिडल ब्रैकेट देखिए, मिडल ब्रैकेट बहुत लोग किस तरह करते हैं, इस तरह कर देते हैं, है ना, कई लोग करते हैं इस तरह करते हैं, तो ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, लेकिन इसका सही मायने देखा जाए तो इस तरह ये होता है,
इस तरह बुक में जो आप देखिएगा प्रॉपरली इस तरह बना होता है मिडल ब्रैकेट, यानी कि कर्ली ब्रैकेट इस तरह बना होता है, लेकिन आप इस तरह बनाओगे तो चलेगा, लेकिन इस तरह मत बनाया करो। ये क्या लग रहा है, इंस्टेंट टाइम लग रहा है ना, मानव का आंत लग रहा है देखने में, है ना, इस तरह यही नहीं चलेगा, इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा, इस तरह मत बनाया करो यार, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप प्रॉपरली नहीं तो इस तरह बना सकते हो, प्रॉपरली बनाना तो और ईजी है यार, देखो करना क्या है, इस तरह करो, थोड़ा सा इस तरह निकाल दो, उसे फिर वापस ऐसे ही मिला दो, कितना बढ़िया लग रहा है, देखो ऐसे करो, ऐसे ऐसे, कितना इजी लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह नहीं बनता है, तो इस तरह आप कर लो। ठीक है, और बिग ब्रैकेट बिल्कुल ही रेक्टेंगुलर नुमा होता है, आयताकार नुमा होता है, इस तरह ये हो गया आपका बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट सीख लिया थी कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का काम करना है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का, फिर स्मॉल ब्रैकेट का, फिर मिडल ब्रैकेट का, फिर बिग ब्रैकेट का काम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, आप बताइएगा, मैं सोल्व नहीं करूंगा, सिर्फ इसके बारे में आप कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, आप सोल्व करने के लिए सीखेंगे जब हाई लेवल क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, तब अभी तो हम लोग नॉर्मल में भी नहीं आए, अभी माइनस लेवल भी हम लोग नहीं गए, माइनस से उठेंगे जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 भागा 2 + 8 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 8 + 3 + 4 + 8 + 3 इसके ऊपर दिया हुआ है रेक रिंग, यानी कि रेखा ब्रैकेट दिया हुआ है, रेखा कोष्टक दिया हुआ है, लाइन ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने ब्रैकेट आपको दिख रहा है जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ब्रैकेट हमें दिख रहा है, एक छोटी ब्रैकेट एक रेखा कोष्टक, एक छोटी कोष्टक एक रेखा कोष्टक, है ना। तो सबसे पहले कौन सा रेखा कौन सा ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे लाइन ब्रैकेट का, यानी कि सबसे पहले इसे तोड़ेंगे, 8 + 3 को हम पहले तोड़ेंगे, उसके बाद किसमें आएंगे हम लोग, अगर रेखा ब्रैकेट खत्म हो गया फिर हम लोग आएंगे इसमें स्मॉल ब्रैकेट में, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के आने के बाद साइन के बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कौन सा साइन का काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें देखिए आपको एक ही साइन दिख रहा है तब तो ठीक है, अगर इसमें दो साइन मान लो दे दें, लो इसमें दो साइन हो गया ना, इस छोटी ब्रैकेट में दो साइन आपको दिख रहा है ना, एक माइनस एक प्लस, तो पहले किसका काम करेंगे, अब हम लोग आते हैं साइन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो साइन में क्या है, सबसे पहले इस बी का यहाँ पे मीनिंग आपने समझ लिया, ब्रैकेट होता है, और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का काम करना है ये भी आपने समझ लिया, यानी इस तरह काम करना है आपको, पहले लाइन फिर स्मॉल फिर मिडल फिर बिग और फिर आपको सॉरी बिग तक ही है। ठीक है, यानी कि अप टू डाउन ऊपर से नीचे आपको वर्क करना है ब्रैकेट में, ये आपने समझ लिया जी। चलिए अब हम लोग आते हैं ओ डी एम ए एस का मतलब क्या होता है, अब देखिए ओ का यहाँ पे मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब क्या हो जाता है जी ऑफ, ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, क्या होता है हिंदी मतलब इसका का। ठीक है, ओ हो गया, डी डी फोर होता है आपका डिवीजन या डिवाइड, डिवीजन या डिवाइड जिसका हिंदी मीनिंग होता है भाग, क्या होता है जी भाग। फिर आता है आपका एम, एम फिर होता है मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई कह लो, मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुना, क्या होता है जी गुना। इसके बाद आपका आ गया है ए, ए फोर होता है आपका एडिशन, ए फोर एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है जी जोर, एडिशन मतलब जोर होता है। फिर एस, एस फोर आपका होता है सब्ट्रैक्शन, सबको पता है सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है जी घटाव। अब देखिए ये आपको कब काम देगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यही एग्जांपल को आप देख लो कि इसमें देखिए ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले इसका ब्रैकेट का काम करोगे आप, अब उसका छोटी ब्रैकेट में जब जैसे अब आप इन करोगे तो इसमें आप देख रहे हो दो साइन है, एक प्लस का है, ये देखिए प्लस का है और माइनस का, दो ही साइन है ना, तो पहले कौन सा साइन का काम करेंगे ये हमें बताएगा, यही हमें बताएगा ओडमास, हमें बताएगा बी से हमें ब्रैकेट का पता चल गया, ओ डी एम ए एस ये हमें चिन्ह बताता है कि सबसे पहले कौन सा चिन्ह का हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर एडिशन का काम करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, यानी कि पहले का काम करेंगे, फिर भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का काम करेंगे, फिर जोर का काम करेंगे, फिर घटाव का काम करेंगे, यानी कि इसमें भी काम किस तरह करना है अप्स टू डाउन ऊपर से नीचे की ओर हमें वर्क करना है, इसमें भी ऊपर से नीचे वर्क करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया 2 + 3 + 3 × 8 / 2 + 4 / 2 − 2
अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट तो एक ही दिया हुआ है, इसके अलावा कोई ब्रैकेट नहीं, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट है। यानी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि पहले कौन सा ब्रैकेट का काम करेंगे, एक ही ब्रैकेट है तो इसमें कोई टेंशन नहीं, सोचेंगे ही नहीं, लेकिन इतना सोचेंगे कि ब्रैकेट का ही काम करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले इसमें देखो, ब्रैकेट में कितने चिन्ह दिया हुआ है, कितने साइन दिया हुआ है। एक भाग का दिया हुआ है, एक जोर का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, का मतलब ऑफ का साइन भी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है जोर का, एक घटा का। देखिए कितना साइन दिया हुआ है, एक दो तीन, तीन चार साइन दिया हुआ है जी। देखिए एक भाग का साइन दिया हुआ है, देखिए एक भाग का साइन दिया हुआ है, एक ऑफ का साइन दिया हुआ है यानी कि का साइन दिया हुआ है, फिर आपका जोर का भी साइन दिया हुआ है, फिर माइनस का भी साइन दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए चार साइन इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा साइन का काम करेंगे ये हमें बताएगा। यही बंदा हमें आके बता रहा है कि सबसे पहले भाई ऑफ का काम करो। ओके, ऑफ में कौन कौन आ जाता है, ऑफ में ये चार और दो ऑफ में आ जाता है, यानी इसका काम पहले हमें इसे निपटाना है। उसके बाद डिवीजन का काम करना है, यानी कि एक नंबर में इसका काम करना है, दो नंबर में डिवीजन का काम करना है, यानी कि इसका काम करना है दो नंबर में। ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन का काम करना है। ओके, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन कहाँ है भाई, मल्टीप्लीकेशन तो यही है, का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। का मीनिंग क्या होता है जी, मल्टीप्लीकेशन। यानी इसमें मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ओके, यानी कि का काम कर लिए मतलब मल्टीप्लीकेशन का काम कर लिए, इसका बात खत्म करो। फिर एड का काम करना है, एडिशन का काम करना है। तो आगे आप सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा एड में कौन कौन सा नंबर आए और माइनस में कौन कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इस तरह आपको वर्क करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है कुछ बेसिक नॉलेज। ठीक है, अभी मैंने बेसिक नहीं बताया, ये तो हाई लेवल चला गया। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको समझाया है, मैंने सोल्व किया है, क्या क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ बताया है कि पहले ब्रैकेट का तय कर लो कौन सा ब्रैकेट का काम होगा। उसके बाद ब्रैकेट में इतने सारे चिन्ह दिए हुए होते हैं भाई, तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह का काम करेंगे ये बंदा आकर के हमें बता रहा है। इतना ही तो बताया है मैंने, अभी सोल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं आपको बताया। ठीक है, सो आपके माइंड में नहीं जा रहा है तो आप घबराओ नहीं। ठीक है, मैंने आपको सोल्व करके नहीं बताया कि भाई हाई तक मैंने बता दिया क्वेश्चन, अब वीडियो समाप्त हो गया, नहीं। अभी मैंने आपको माइनस लेवल तक मैंने लेके गया कहा, सिर्फ ये तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया कि पहले ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं, ब्रैकेट के बारे में सोच लिया तो उसके बाद हम लोग साइन के बारे में सोचते हैं कि पहले कौन सा साइन का काम होगा, है ना, ये हमें बताएगा। ओके, ये बताएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑफ मतलब भी गुना होता है और मल्टीप्लाई का मतलब भी गुना होता है, लेकिन अंतर ये है कि पहले ऑफ का काम होगा, पहले ऑफ का काम होगा, फिर जो तीसरा नंबर में मल्टीप्लाई का काम होगा। अभी क्वेश्चन लेंगे तो मैं आपको समझ में पूरी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको मिटाते हैं और हम लोग माइनस लेवल अब स्टार्ट करते हैं। माइनस लेवल, ये तो बहुत हाई लेवल मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अभी हम लोग माइनस लेवल पे आए कहाँ, माइनस लेवल पे आएंगे तो और मजा आएगा। माइनस लेवल पढ़ने में जो मजा है ना, वो हाई लेवल क्वेश्चन को सोल्व करने में मजा नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा माइनस लेवल में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक चीज़ आप लोग जानते होंगे यार, कई लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि हम लोग जानते हैं कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है जी, प्लस माइनस माइनस होता है सर। हाँ, तुम लोग जितना तेज हो गए यार, वाह हमें अच्छी पता चला। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है सर। वाह यू आर ग्रेट, चलो यार इसको क्या करते हैं, इंटू में चेंज करते हैं, इंटू में। ये तो जोड़ घटा में दिया हुआ है, ये किसके लिए, जोड़ घटा के लिए सफिशियंट है, जोड़ घटा तक ही ये काम चलेगा, गुना में ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, गुना में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस ही होता है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है, फिर क्या है भाई, प्लस इंटू प्लस ये भी प्लस ही होता है। भाई इसमें और इसमें तो हमें कुछ अंतर दिख ही नहीं रहा, ये आप दो टाइप से क्यों लिखे हो यार, क्यों मेरा टाइम लॉस कर रहे हो यार। अरे यार टाइम लॉस मैं नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है इन दोनों में अंतर क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार, समझा करो यार। अब देखो अंतर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, ये तो ना डायरेक्टली आंसर देता है ये बंदा, है ना, गुना वाला जो बंदा है ना ये डायरेक्टली आंसर देता है। किसमें आंसर देता है, ये गुना के लिए, ये किसके लिए है जी, ये इस साइड जो लिखा हुआ है ये गुना के लिए और ये जोड़ घटा के लिए, ये क्या है, डायरेक्टली आंसर देता है। अभी अंतर पता चल जाएगा दोनों में क्या होता है अंतर, अभी तुरंत आपको अंतर पता चलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे क्वेश्चन, टू माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे दो में से दो के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, प्लस साइन है छुपा हुआ, तो प्लस माइनस क्या होता है जी, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घटाने का काम करेंगे, घटाने का काम करेंगे। तो घटा लिया, दो में से एक जाएगा एक होगा,
लेकिन घटाने के बाद आपको देखना है कि किसका साइन बड़ा है, उसके बाद आपको आंसर यहाँ पे साइन में लिखना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्लस दो है माइनस एक है, तो प्लस का साइन बड़ा है क्योंकि प्लस के पास दो है माइनस के पास एक है, यानी कि इसका आंसर प्लस में होगा और प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होता है। ये आप लोगों को पता है प्लस दिखाना जरूरी नहीं होता है और दिखाओ भी मत, क्योंकि कई कई बार होता है क्या प्लस जो है कहीं जो है आप कुछ ना कुछ गलत कर दोगे, तो प्लस कहीं कहीं नंबर टाइप का दिखेगा। जैसे कई लोग प्लस इस तरह बना देते हैं, इस तरह कई लोग प्लस बना देते हैं, लगेगा देखने में सेवन की तरह लगेगा देखने में, इसीलिए प्लस दिखाना जरूरी नहीं है। तो दिखाओ भी मत आप, ठीक है, जरूरी नहीं होता है, आप मत दिखाओ। अगर दिखा दोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं होता है तो मत दिखाओ, ठीक है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, अच्छा इसी को हम चेंज कर रहे हैं, वन माइनस टू, ये वन के आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस साइन है, प्लस माइनस क्या होता है जी, प्लस माइनस माइनस होता है, घटा दो भाई, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटा दो ना, तो एक में से दो नहीं घट रहा सर, अरे यार बड़ा में से छोटा घटाओ ना, तो दो में से घटा दिए एक, चेक करो किसका साइन बड़ा है, करो चेक, प्लस एक है माइनस दो है, माइनस के पास दो है प्लस के पास एक है, किस साइन का चिन्ह बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि माइनस का साइन का चिन्ह बड़ा है, ठीक है, क्योंकि माइनस दो है तो माइनस में आंसर आएगा। इसमें क्या है, चेक करना होता है, जोड़ घटा में चेक करना होता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आंसर होता है, इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं। देखो हम इसको इसे क्या करेंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं दो इंटू माइनस वन, प्लस माइनस क्या होता है जी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस में आंसर आएगा, दो गुना एक दो होगा। अच्छा इसको और चेंज कर रहे हैं, वन इंटू माइनस टू, इसको प्लस माइनस क्या होता है जी, इसका कुछ नहीं प्लस साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है सर, तो माइनस में आंसर आएगा, दो गुना एक दो होगा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर जैसे मैंने इसमें चेक किया था, इसमें भी चेक करें तो ये प्लस में आएगा, देखो प्लस का साइन बड़ा है माइनस का साइन बड़ा है छोटा है, तो इसमें प्लस में आंसर आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है गुना में डायरेक्ट आंसर होता है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं होता है, लेकिन इसमें जोड़ और घटा में चेक करना होता है। ठीक है, जोड़ घटा में क्या करना होता है, चेक करना होता है। ये तो हमें सिर्फ बताता है, ये हमें सिर्फ बताता है कि ये काम करना है, लेकिन रियलिटी में जो आपका जो आंसर आएगा ये चेक करने के बाद आप बताओगे कि आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ओके, ये आपको तय नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है आपको डायरेक्टली देता है, डायरेक्टली आंसर देता है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर ये देता है कि भाई प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दो और गुना कर दो आंसर में, हो गया आपका आंसर, ये डायरेक्ट आपको दे देता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। इसमें क्या है, आप काम करोगे, ये एक्शन लोगे, आप जोड़ घटा में क्या है आप एक्शन ले रहे हो, कोई नंबर माइनस में कोई नंबर प्लस है तो घटाने का काम कर रहे हो, लेकिन डिसाइड ये नहीं करेगा कि आप माइनस ही आंसर, माइनस में ही आंसर आएगा। जैसे मैं और एग्जांपल देखो, आप माइनस दो प्लस दस, बताओ भाई माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, घटाने का काम होता है, तो घटा दो ना, घटाने का काम होता है, तो दो में से दस नहीं घटेगा, दस में से दो घटा दो, घटा दो कितना होगा आठ, देखो माइनस हो रहा है लेकिन आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, चेक कर लो ना, माइनस का साइन छोटा है प्लस का साइन बड़ा है, प्लस टेन है माइनस टू है, प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस में आंसर आएगा, और प्लस दिखाना जरूरी नहीं है। क्या ये हमें बताया क्या आंसर माइनस में आएगा, ये सिर्फ बताता है कि हमें काम करना है ना, ये क्या बता रहा है हमें, सिर्फ काम करना है, यही हमें इतना ही बता रहा है। अच्छा इसी को हम उल्टा कर देते हैं, टेन माइनस टू, बताओ भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटाने का काम होता है, घटाओ तो भाई एक्शन लो जल्दी, माइनस का एक्शन बोल रहा लेने के लिए, माइनस का एक्शन लो, दस में से दो घटा दो कितना होगा आठ होगा, यार हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, दो माइनस दस कर देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो आठ, दस में से दो घटा दो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, किसका साइन बड़ा है, प्लस दो है माइनस दस है, किसका साइन बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, लेकिन इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन इसी को हम गुना में अगर जो हम यूज कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को गुना में यूज कर रहे हैं, मान लो माइनस दो इंटू माइनस दो इंटू टेन, माइनस टू इंटू टेन दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम गुना में यूज कर रहे हैं, ठीक है, गुना में यूज कर रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस में आंसर होगा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, दस दूनी बीस, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, टू इंटू माइनस टेन, प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस, माइनस में आंसर आएगा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, दस दूनी बीस, लेकिन जोड़ और घटा में चेक करना होता है। ये हमें सिर्फ बताता है कि एक्शन लो, ये नहीं बताता है कि आंसर इसी में आएगा, लेकिन वो तो हमें डायरेक्ट बताता है, गुना क्या करता है डायरेक्ट बताता है कि आंसर प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस में ही आंसर आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है माइनस में ही आंसर आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस में ही आंसर आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल माइनस माइनस टू इंटू माइनस थ्री, ये मैंने लिया, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस में आंसर आएगा, तीन दूनी छः, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है,
गुना में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है किसका साइन बड़ा है, लेकिन जोड़ घटा में चेक करना होता है। ये मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया है, और भी मैं बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसी से मैं बेसिक चीजें मैं आपको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज और आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एक, बताओ इसका आंसर क्या होगा यार, कोई बता सकते हो क्या? ये तो बोलोगे आप सर कोई भी बता सकता है ना, सही का बच्चा ही बता देगा, दो एक तीन, तीन तीन छः, दो एक तीन, तीन छः, छः एक सात, लीजिए सर सात आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, और आप सही बोले हो, सात ही आंसर आएगा। लेकिन क्या आपने यहाँ पे सीखा कुछ क्या? मैं आपको बोलूँ कि इसे एक्सप्लेन करूँ कि आपने क्या सीखा, तो आप इसे आप बढ़िया देखो, आप यही बोलोगे कि सर प्लस 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 जितना भी नंबर दिया हुआ हो सारे को एड कर देंगे और प्लस में आंसर आएगा, यही हम लोगों ने सीखा ना। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया, लेकिन सोल्व करने के बाद क्या कंक्लूजन आपके दिमाग में ये आया क्या, निष्कर्ष आपके दिमाग में आया क्या कि प्लस 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 जितना भी नंबर दिया हुआ हो, एक नंबर दिया हुआ हो, दो नंबर दिया हुआ हो, हजार नंबर दिया हुआ हो, उन सभी को एड कर दो और प्लस में आंसर आएगा, ये आपके दिमाग में आया था क्या? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि प्लस 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 जितना भी नंबर ऐड कर दो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है जी। चलिए अब यहां देखिए, इसी को माइनस कर देते हैं, इन सारे नंबर्स को माइनस कर देते हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस एक, ये भी वही नंबर है, लेकिन सारे के सारे क्या है इसमें? माइनस में, यानी कि माइनस 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 वाला नंबर जुटता है तो माइनस में आंसर आता है। बहुत ही मस्त यार, मस्त यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे कैच कर लो, अच्छे से दिमाग में कैच कर लो अपने दिमाग में, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लस 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 वाले नंबर जिस तरह जुड़ता है वो प्लस में आंसर देता है, उसी प्रकार माइनस 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 वाले कितने भी नंबर हो अगर वो जुटेगा तो माइनस में आंसर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इस पर क्वेश्चन लूंगा, और वो क्वेश्चन आपको इससे पहले हार्ड लग रहा होगा लेकिन अब आपके लिए ईजी होगा, आसान होगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, अरे यार हम लोग माइनस लेवल से पढ़ रहे थे ना यार, क्यों आप घबरा रहे हो? मैं आपको बताऊंगा ना माइनस लेवल से किस तरह पढ़ाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। देखिएगा बोर्डमास क्या है यार, बोर्डमास का बाप भी आ जाए तो उसको हम सोल्व कर देंगे, तोड़ मरोड़ के सोल्व करेंगे। देखिएगा मैंने आपको क्या कहा, मैं क्या पढ़ा रहा था यार, दिमाग से निकल गया, हाँ सॉरी, क्वेश्चन लेते हैं, टू प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस टू माइनस फोर, ये क्वेश्चन लिया। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप करो क्या है, जो प्लस प्लस वाला नंबर है ना एक साथ कर लो, माइनस माइनस वाले नंबर को एक साथ कर लो। अरे वो प्लस प्लस में कौन है? एक ये प्लस में है, एक ये प्लस में है, और एक ये प्लस में है, ये तीनों प्लस में है जी, देख लो ना, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस साइन है, तो ये दोनों प्लस में है, और ये देखो किस में है? माइनस में है, ये तीनों प्लस में है और ये दोनों किस में है? माइनस में है। अब अभी मैंने आपको बताया है कि प्लस 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 वाले नंबर को जोड़ो, प्लस में आंसर लिखो, जोड़ दो ना, दो एक दो तीन पाँच, पाँच दो सात, तो सात किस में आएगा? प्लस में आएगा सात, ठीक है। अब माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, माइनस में आंसर लिखेंगे, माइनस तीन माइनस चार माइनस सात, अरे यार माइनस माइनस वाला नंबर क्या होता है? जुटता है और माइनस में आंसर देता है, माइनस तीन माइनस चार माइनस माइनस जुटता है, जोड़ लो और माइनस में आंसर लिख दो, माइनस सेवन आ गया, माइनस सेवन, सेवन में से सेवन गया जीरो, आंसर आंसर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अभी और मैं इसी से क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं लेता हूँ, आप बताना है इसका आंसर, आप बताना, फोर माइनस थ्री माइनस एट प्लस टेन प्लस टू प्लस माइनस थ्री माइनस थ्री, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? माइनस वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लो, प्लस वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लो, प्लस प्लस वाला नंबर जुटता है तो प्लस में आंसर देता है, माइनस माइनस वाला नंबर जुटता है माइनस में आंसर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इन तीनों ये तीनों प्लस में है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ओके, और ये देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इन चारों को एक साथ ऐड कर लेंगे और माइनस वाले को भी जोड़ देंगे, ठीक है, और माइनस में आंसर होगा और प्लस वाले को जोड़ेंगे प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चार और दस कितना होता है ये? चौदह, चौदह दो सोलह, सोलह प्लस वाले जोड़ेंगे प्लस में आंसर आएगा। अब माइनस वाले नंबर को जोड़ते हैं, माइनस तीन माइनस एक आठ कितना हो गया? ग्यारह, ग्यारह तीन चौदह, चौदह तीन सत्रह, लेकिन माइनस वाले जोड़ते हैं तो माइनस में आंसर देता है तो माइनस सत्रह हो गया। अब इसको प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस यानी घटाने का काम होता है, घटा दो, इसके सुला क्या कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, घटा दो तो 16 में से एक नहीं घटेगा, 16 में से 17 नहीं घटेगा, 17 में से 16 घटा तो कितना होगा? एक होगा। किसका साइन बड़ा है चेक करो, प्लस माइनस माइनस होता है उसका साइन चेक करो। मैंने आपको बताया था ना कि जोड़ घटा में ये क्या है, जोड़ घटा में है ना, जोड़ घटा में क्या होता है चेक करना पड़ता है ना, तो किसका साइन बड़ा है? माइनस का साइन बड़ा है, प्लस 16 है माइनस 17 है तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में आंसर होगा।
यही अगर यहाँ पे दिया हो रहा था सोल्व करने पर मान लो आता है 17 - 16 तब आंसर प्लस एक में आता है क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस में आंसर आया। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ये मैंने आपको सिखा दिया कुछ बेसिक बातें। अच्छा इसी में अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं देखिएगा। अरे यार मैं आपको इस तरह बताऊंगा ना। अब देखिए यार एक बात बताओ, माइनस 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 ये कितना माइनस हम जोड़ हमें जोड़ करके मैंने नहीं लिखा, कितना मैंने काउंट भी नहीं किया। अब ये देखिए इसके बीच में क्या है, इनटू है इनटू है इनटू है, गुना का साइन दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या है, सारे के सारे बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना का साइन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मान लो सर नंबर कुछ भी दिया हुआ है लेकिन आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा ये तो बता दो एटलीस्ट। अब देखो गुना में क्या होता है, अगर पेयर मिल रहा है जोड़ा मिल रहा है तो गुना करने पर आपको प्लस में आंसर आएगा, अगर पेयर नहीं मिल रहा है किसी एक का भी तो माइनस में आंसर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे इन दोनों का पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर हो गया जोड़ा मिल गया, इन दोनों का भी पेयर मिल गया, इसका जोड़ा मिल ही नहीं रहा, एक का भी जोड़ा नहीं मिल रहा ना, एक का भी जोड़ा का जो नहीं मिल रहा तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल -2 - -3 - -2 बराबर। अब देखिए इन दोनों का पेयर मिल गया, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, लेकिन इसका तो पेयर मिल ही नहीं रहा यार, तो ये फिर प्लस माइनस होकर के माइनस में ही आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी आंसर आएगा गुना करने पर माइनस में आएगा। 3 × 6 = 12 यानी माइनस में आंसर आएगा। मान लो इसी में एक संख्या और ऐड कर लेते हैं, -1 ऐड कर लिए तब भी 12 आंसर आएगा लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि जोड़ा मिल चुका है। देख सकते हैं ये दोनों मिलकर के प्लस हो गया, ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, फिर प्लस प्लस गुना करेंगे क्या होता है प्लस ही होता है, तो इस प्रकार आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात याद रख लो, अगर माइनस 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 वाले नंबर को गुना कर रहे हो तो अगर उनका जोड़ा मिल जाता है तो प्लस में आंसर आएगा, अगर उनका पेयर यानी कि जोड़ा नहीं मिलता है तो माइनस में आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर नहीं लेता हूँ, ठीक है, अब बताना सिर्फ कि आंसर किस में आएगा, कौन सा साइन में आएगा, प्लस साइन में आएगा कि माइनस साइन में आएगा। इसमें मान लो कोई नंबर होगा दिया हुआ, मान लो ये माइनस माइनस दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ माइनस माइनस, इसमें हो सकता नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बताओ इसमें आंसर क्यों आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। एक जोड़ा मिल चुका है, एक दो ये जोड़ा मिल चुका है, एक दो ये जोड़ा मिल चुका है, एक दो ये जोड़ा मिल चुका है, लेकिन इसका जोड़ा तो मिल ही नहीं रहा सर, तो नहीं मिल रहा तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा, आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। लेकिन मान लो इसमें एक गैप कर देते हैं, एक गैप कर लिए इसे, अब यहाँ पे हम ऐड कर जोड़ आप पेरा लगाते हैं, यहाँ पे देखते हैं पेर लगा करके जोड़ा लगा के देखते हैं, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, यानी कि अब जो आंसर आएगा किस में आएगा प्लस में आएगा, जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, है ना। मैंने एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बता दिया कि प्लस में कब आएगा माइनस में कब आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा इससे हाई लेवल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ब्रैकेट में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग चाहेंगे सिर्फ साइन पे वर्क करेंगे कि साइन का वर्क हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका काम करते हैं जी, ऑफ का पहले काम करते हैं। देखिए ODMAS ओड मास, पहले ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवीजन का काम करते हैं यानी भाग का काम करते हैं, फिर काम करते हैं M4 मल्टीप्लाई का काम करते हैं, मल्टीप्लाई का, फिर एड का यानी एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। अभी हम इसी पे क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम ब्रैकेट में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 8 + 2 का मतलब क्या होता है जी, ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है का मतलब क्या होता है जी, गुना, है ना, का मतलब क्या होता है गुना, मल्टीप्लाई मतलब भी गुना होता है लेकिन पहले का काम होगा। ठीक है, ऑफ का काम होगा। ठीक है, तो 8 + 2 = 4 + 8 / 4, है ना। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट के बारे में सोचना ही नहीं है कि कौन सा ब्रैकेट का पहले काम करेगा, जो रहा था तो हम लोग जानवे करते थे कॉन्सेप्ट कि पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मध्यम ब्रैकेट जिसे हम लोग मंझली ब्रैकेट भी बोलते हैं, है ना, फिर हम लोग बिग ब्रैकेट, इस तरह हम लोग काम करते थे। ठीक है, आइए इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो आइए इस पर हम वर्क करते हैं। पहले ऑफ का काम होता है, तो इसमें ऑफ है क्या, देखो तो हाँ ऑफ मतलब का होता है, यानी कि यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है ना, तो इसका पहले काम करो, 8 + ऑफ मतलब क्या होता है जी, का मतलब क्या होता है गुना, ये गुना में है, इसका मतलब क्या है, ये गुना में है,
तो दो चौके आठ, ओके दो चौके आठ, ओके फिर प्लस प्लस एट भागा दो। चलिए का काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए कितना कितना साइन बचा हुआ है, एक प्लस साइन दिख रहा है, एक भाग का साइन दिख रहा है। तो पहले किसका काम करेंगे, अब देखिए पहले किसका काम करते हैं, जोड़ का काम करते हैं कि भाग का, पहले भाग का काम करते हैं फिर जोड़ का काम करते हैं। तो पहले जोड़ पहले भाग का काम कर लेते हैं, ठीक है। एट प्लस एट प्लस दो चौके आठ, अब सारा का सारा प्लस में ही जोड़ दो, आठ आठ सोलह, सोलह चार बीस, आंसर बीस आंसर हो गया। बीस क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फाइनल आंसर। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं ना यार, 16 भागा 2 प्लस 8 का 2 प्लस 9 माइनस 3 माइनस 2, ओके ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो आप। इसमें ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बारे में नहीं सोचना है अभी, ब्रैकेट के अलावा क्वेश्चन लेंगे अभी, ठीक है। पहले हम सिंपली वर्क कर रहे हैं इस पे वर्क करना आपने सीख लिया तो ब्रैकेट कुछ है ही नहीं आपके लिए, एकदम ब्रैकेट आपके लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। पहले इसको अब वर्क करने के लिए जहाँ सीख गए, अब ब्रैकेट ऑटोमेटिक अब वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे इजिली है अपने, ठीक है। अब देखिए पहले किसका काम करते हैं, ऑफ, ऑफ कहीं दिख रहा आपको, हाँ यहाँ पे ऑफ है, का को हम सिर्फ का को हिंदी में ऑफ, इंग्लिश में लिखते हैं तो ऑफ लिखेंगे और हिंदी में लिखते हैं तो का लिखेंगे, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे का इसलिए लिख रहे हैं कि कई लोग इसे एट्टी समझेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में ले रहा हूँ, ठीक है। कई लोग एट्टी समझेंगे इसीलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे का ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो का मतलब क्या होता है, गुना। पहले का काम हम लोग करते हैं तो इसका हम लोग काम करेंगे पहले, तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे, 16 भागा 2 आठ दो नहीं 16 प्लस 9 माइनस 3, एक बार में एक ही का काम करना है, ऐसा नहीं कि इसका भी काम कर रहे हैं इसका भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यही तो गोलमस का रूल है कि वन टाइम में एक ही काम करना है, वन टाइम लाइन में एक, पहला लाइन में अगर नेक्स्ट स्टेप बढ़ रहे हो तो एक स्टेप में एक ही वर्क होता है, एक ही साइन का वर्क होता है, ऐसा नहीं कि प्लस का भी साइन का काम कर रहे हो माइनस का भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद किसका काम करेंगे बताइए, इसमें क्या क्या साइन दिख रहा है आपको, एक भाग का, एक जोड़ का, एक घटा का। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का, है ना, तो भाग का काम कर लेते हैं, तो आठ दूनी सोलह आठ हो जाएगा, फिर प्लस सोलह प्लस नौ माइनस थ्री माइनस टू। अब इसमें देखो दो ही साइन आपको दिख रहा है, एक प्लस साइन एक माइनस साइन, इसके सिवा कोई साइन नहीं है। तो ऐसा करो प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये तीनों प्लस को एक साथ जोड़ देंगे, तो आठ और सोलह, आठ सोलह चौबीस हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, चौबीस चौबीस में नौ जोड़ लो, चौबीस में नौ जोड़ लो यार, तैतीस हो जाता है ना, तो ये प्लस तैतीस हो गया, ओके फिर माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, माइनस में जुड़ता है माइनस में आंसर आता है, मैंने आपको बता रखा है, तो तीन दो पाँच, तो माइनस में आंसर आ गया माइनस पाँच। अब इनको घटा दो, तैतीस में से पाँच जाएगा कितना होगा जी, अट्ठाईस, अट्ठाईस हो गया आंसर आपका, ठीक है। पाँच तीन आठ, आठ पाँच तेरह, दो एक तीन, ठीक है अट्ठाईस हो गया आंसर, ठीक है। प्लस का साइन बड़ा है, चूंकि प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस में आंसर आया है। यही अगर आपका बनता 5 माइनस तैतीस तो आंसर किस में आता जी बताइए, माइनस में आंसर आता, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, क्योंकि ये हमारा आ रहा है 33 माइनस 5, इसीलिए प्लस का साइन बड़ा है इसीलिए प्लस 28 आ रहा है। मैं आपको कॉन्सेप्ट पिछला भी कॉन्सेप्ट दोहरा रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो पीछे वाला कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो, ठीक है। इस तरफ प्लस 28 और माइनस 28 कब आएगा मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा समय अब मैं यूज करता हूँ थोड़ा ब्रैकेट, क्या यूज कर रहा हूँ भाई, ब्रैकेट। वीडियो का ड्यूरेशन कितना गया यार देख लेता हूँ एक बार, वाओ हाफ हाफ आवर्स प्लस चल गया है, ठीक है कोई बात नहीं यार, मैंने तो सोचा ही था कि वन आवर्स वीडियो जाएगा, हमने तो सोचा ही था, ठीक है कोई बात नहीं, हमें समझाना था यार, हमें शौक थोड़ा ना लंबा वीडियो बनाने का, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ ब्रैकेट कब यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट भी यूज करूंगा और ये सारा तो टर्म रहेगा, ये साइन तो दिखेगा ही आपको, ठीक है। क्वेश्चन, टू प्लस थ्री स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, एट भाग टू का फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव, ये क्वेश्चन है। चलो इसे बनाओ यार, बनाओ क्या आप से बन जाएगा जी, बन गया बन जाएगा यार, अगर मैं शुरू से जो बता रहा हूँ अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आप सीख जाओगे, कॉन्सेंट्रेट हो गया, अगर कॉन्सेंट्रेट हो गया अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो आप ये बना लोगे। अब देखिए इसमें ब्रैकेट आ गया ना यार,
तो ब्रैकेट जैसे ही आए हमने आपको क्या कहा, ब्रैकेट के बारे में पहले सोचना है। अब ब्रैकेट का मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट बताओ, रेखा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यानी कि मिडल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट। तो इसमें रेखा ब्रैकेट तो है नहीं, एक ही तो ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है, तो इसमें सोचने की जरूरत है ही नहीं यार कौन से ब्रैकेट का काम करूं। अगर इसमें मान लो रेखा ब्रैकेट में मैं दे देता तब भले आप सोचते कि पहले रेखा ब्रैकेट का काम करेंगे फिर छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, इस तो इसमें तो मैंने कोई बार मतलब रेखा ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट था, तो एक ही ब्रैकेट के बारे में सोचो ना यार, दिमाग खराब कर रहे हो, एक ही ब्रैकेट है तो यानी ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले इसको हम वर्क करेंगे। और ब्रैकेट में देखिए कितना साइन है, देखिए एक भाग का है, एक का है यानी कि ऑफ का काम भी है, फिर जोड़ का, फिर घटा का, तीन तीन साइन आपको दिख रहा है, चार चार साइन दिख रहा है। देखो एक भाग का साइन दिख रहा है आपको, एक ऑफ का भी साइन दिख रहा है यानी कि का साइन आपको दिख रहा है, ऑफ मतलब का होता है, फिर आपको प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, चार साइन आपको दिख रहा है। तो आप याद करो सबसे पहले कौन सा साइन का काम करोगे, आप पहले ऑफ का काम करोगे, तो ऑफ यहाँ पे जो है उसका काम कर लो, ये ऑफ है ना, तो इसका काम कर लो, टू प्लस थ्री टाइम्स स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एट भागा चार दुनी आठ, का काम हो गया, बाकी सबको एज इट इज उतार लो, अभी किसी का काम नहीं करना है, एक बार में एक ही साइन का काम करना है, ठीक है। चलिए का काम खत्म, उसके बाद किसका काम होता है, भाग का, तो भाग का काम कर लो, टू प्लस थ्री टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना होता है, यहाँ पूछा है तो क्या है, गुना है, ठीक है, आठ को आठ में भाग देंगे एक होगा, बाकी एज इट इज अभी उतार लो। अब देखिए अभी ब्रैकेट अभी खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा पूरा खत्म नहीं हुआ, अगर ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा दो प्लस थ्री, अब इसमें देखिए दो ही साइन है, एक प्लस और एक माइनस, तो मैंने आपको बताया एक प्लस और माइनस में रहे तो क्या करना है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो, प्लस प्लस वाला जुड़ता है प्लस में आंसर आता है, माइनस माइनस वाला नंबर जुड़ता है माइनस में आंसर आता है, ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है। तो प्लस में कौन कौन सा है, ये और ये, इन तीनों को एड कर दो, तो एक और तीन चार, चार और पांच नौ, नौ किस में आएगा, प्लस नाइन होगा, और ये माइनस फोर है, ठीक है। अब यहां से ब्रैकेट हट जाएगा, अब यहां से ब्रैकेट हट जाएगा, टू प्लस थ्री इसके आगे कुछ है तो क्या आएगी, गुना साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो घटा दो, ओके, तो कितना हो जाएगा आपका, नौ में से चार गया पांच, प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस में पांच आंसर आया, ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन मेरा इस तरह बनता, सोल्व करने पर इस तरह बनता, फोर माइनस नाइन बनता, तो इसे हम कैसे बनाते हैं, टू प्लस थ्री इंटू फोर में से प्लस माइनस माइनस, यहां भी घटाने का काम करेंगे लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस का, देखो माइनस का साइन बड़ा है, आंसर जो आएगा पांच आएगा लेकिन माइनस में आएगा, है ना, लेकिन इसमें प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, इसमें माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। इसका बाद इसका आगे वर्क करो, इसका आगे वर्क करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो साइन है, एक प्लस एक गुना का, तो पहले किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे, देख लो पहले गुना काम होता है उसका प्लस का काम होता है ना, ओके, पहले गुना काम कर लो, तो तीन पाँचे पंद्रह, दो प्लस पंद्रह, दो प्लस पंद्रह जोड़ दो, प्लस 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 होता है जोड़ दो, सत्रह आंसर हो गया आंसर। चलिए इसका थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन देखते हैं, मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन उठाया यार, एकदम बेसिक माइनस लेवल से मैंने स्टार्ट किया, प्लस माइनस से स्टार्ट किया यार, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक लाया, ठीक है, अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने आपको कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया और मैंने इसमें क्या करता हूँ, मैं टोटल ब्रैकेट में ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मतलब मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। 81 भागा 9 प्लस 2 टाइम्स बड़ी ब्रैकेट, इसके आगे मैं देता हूँ प्लस बड़ी ब्रैकेट 18 भागा 2 स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 9 भागा 3 प्लस 10 माइनस 5 और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है डिस्प्ले पे, हाँ पूरा दिख रहा है, ओके, ये क्वेश्चन आपको है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखो आपको दो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, एक बिग ब्रैकेट एक स्मॉल ब्रैकेट, तो याद करो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का काम करेंगे, देखो इस तरह आपको वर्क करना है, ऊपर से नीचे वर्क करना है, पहले रेखा ब्रैकेट का काम करते हैं तो रेखा ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, फिर स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है तो स्मॉल ब्रैकेट का काम कर लो ना, पहले स्मॉल ब्रैकेट यहां से यहां तक है तो इसका काम कर लो, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में देखो कितना साइन है, दो साइन है, एक भाग का एक माइनस का, तो पहले किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे ना, तो पहले भाग का काम कर लेते हैं, इसको एज इट इज यहां पर उतार लेते हैं, इसका भी कोई वर्क नहीं है, ठीक है, तो इसका हम पहले भाग का काम करते हैं,
तो तीन को तीन से भाग देंगे नौ में, तीन बार में कटेगा ये माइनस यहां पे, तो माइनस मैंने लिख लिया, तीन तिया नौ, बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अभी स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को पहले हम खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, इसको पहले हम एज इट इज यहाँ पे उतार लेते हैं, इसका कोई यहाँ पे अभी काम नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ओके, अब देखिए ब्रैकेट का अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे भाग का काम नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को पहले खत्म करना है, छोटी ब्रैकेट पूरा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस घटाने काम करेंगे। यहाँ कुछ नहीं साइन तो क्या है जी, गुना है। ब्रैकेट का अगर कोई साइन नहीं रहता है तो गुना साइन रहता है ना, मैंने आपको बता रखा है गुना साइन रहता है छुपा हुआ। ठीक है, ओके, आठ में से तीन जाएगा कितना होगा, पांच होगा, प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस में आंसर होगा। ठीक है, पांच मान लो यही क्वेश्चन रहता है आपका, 18 भाग दो 3 माइनस 8 इस तरह रहता है, तो बताओ तब इसका क्या आंसर आता है, बताओ। इसको आगे हम सोल्व करते हैं, तो ये आता है आपका 18 भाग 2 इंटू ये माइनस माइनस 5 आता है, बस इतना ही अंतर था, है ना, इतना ही अंतर था, यहीं पर अंतर था, यहीं पे अंतर था कि माइनस फाइव आता ये, लेकिन ये प्लस फाइव आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घटाने काम किए लेकिन चेक किए तो माइनस का साइन बढ़ा है, इसमें चेक किए तो प्लस का साइन बढ़ा है, तो इसलिए यहाँ प्लस में यहाँ पे फाइव आया और यहाँ पे माइनस में फाइव आया। ठीक है, मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, ओके, यानी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये फाइव हो गया, अब ब्रैकेट हट चुका है जी, छोटी ब्रैकेट हट चुका है क्योंकि सारा का सारा वर्क मैंने कर लिया, छोटी ब्रैकेट का सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया उसका। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट बचा हुआ है, पहले ब्रैकेट ही तो खत्म करेंगे, तो ब्रैकेट में देखो पहले इसमें बड़ी ब्रैकेट में, तो बड़ी ब्रैकेट में कितना साइन है, एक भाग का साइन है, एक गुना का, एक जोड़ का, एक घटा का, चार साइन आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, ऑफ, तो ऑफ तो है ही नहीं, उसका भाग का काम करते हैं, तो भाग का काम कर लो ना, इसको एज इट इज उतार लो, अभी इसका कोई काम नहीं है, ये फालतू है। ठीक है, पहले भाग का काम कर लो, दो अठी दो नमा अठारह, नाइन नौ बार में कटेगा, फिर गुना पाँच है, फिर दस माइनस पाँच है, ब्रैकेट बंद। अब देखो अब इसमें कितना साइन बचा हुआ है, एक गुना, एक जोड़, एक घटा, तो पहले किसका काम करेंगे, गुना का, उसके बाद जोड़ घटा का काम करते हैं। ठीक है, तो गुना का पहले काम कर लो, तो नौ नौ पचे पैंतालीस प्लस दस माइनस पाँच। अब देखिए अभी ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी इसमें और भी काम बाकी है। अब देखिए इसमें दो साइन आपको दिख रहा है, एक प्लस और एक माइनस, तो पहले प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो, माइनस वाले नंबर को एक साथ कर लो, तो ये दोनों प्लस में है, 45 और 10 क्या है, प्लस में है, तो इनको इनको एक साथ ऐड कर लो। ओके, तो 18 प्लस 9 प्लस 2, ओके, फिर प्लस 45 और 10 कितना होता है जी, 55। अभी ब्रैकेट खत्म नहीं होगा, इस बार ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला तो एक ही नंबर है, माइनस 5, तो इसलिए माइनस 5 पानी यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, फिर 18 भाग 9 प्लस 2, अब ब्रैकेट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 55 में से 5 जाएगा कितना होगा जी, प्लस माइनस माइनस होता है, घटा दिया, माइनस में आंसर होगा कि प्लस में, प्लस का साइन बढ़ाया ना तो प्लस में आंसर होगा। ठीक है, तो 50 आएगा। ओके, मान लो यहाँ पे 55 5 माइनस 55 रहता है, यहाँ 55 माइनस 5 की जगह 5 माइनस 55 रहता है, किस में आंसर आता है, माइनस 50 में आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा क्योंकि प्लस का साइन बढ़ा है। ठीक है, मैं रिपीट करते जा रहा हूँ ताकि आप पीछे वाला कॉन्सेप्ट ना भूलो। ठीक है, बताइए अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो अब यहाँ पे साइन कौन कौन सा है, एक भाग का साइन है, एक जोड़ का साइन है, तो पहले किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे, नौ दूनी 18, बाकी सबको अभी एज इट इज उतार लो। ओके, अब सारा का सारा प्लस में, तो प्लस 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 नंबर जुड़ता है, प्लस में आंसर आता है। ठीक है, दो दो चार, चार पचास 54 आंसर, देखा किस तरह वर्क हुआ, कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे यार, आप कर लोगे, अगर इसका कॉन्सेप्ट आप सीख गए हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कितना ही बड़ा बने, क्यों नहीं दो पेज में बने, क्यों नहीं तीन पेज में बने, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है तो आप बना लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लो क्या, पूरा बोर्ड पे बोर्ड क्वेश्चन बनेगा, इतना मैं बड़ा क्वेश्चन मैं लूंगा। ठीक है, इसे मैं सबको मेरी यहाँ पे क्या कहता हूँ मिटा देता हूँ, और सारा का सारा इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं ऐसा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ओके, देखिएगा बोर्ड मास का भोपाल मचा दूंगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा 18 प्लस बड़ी ब्रैकेट 12 प्लस 2 माइनस 3 प्लस मंझली ब्रैकेट 8 प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट 8 का 2 भागा 4
फिर मंझली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। ओके, अब देखिए याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर आपने बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट किया तो बड़ी ब्रैकेट से बंद होगा ही होगा। अगर यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट नहीं देते हैं तो इसका देने का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तब अगर करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, मंझली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, तो मंझली ब्रैकेट से कहीं ना कहीं ये बंद होगा। अगर बंद नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने सबका सारा कसरा बंद कर रखा है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यार, एक काम करूँ, यहाँ पर मैं थ्री कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थ्री कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं रेकरिंग ले लेता हूँ, रेखा ब्रैकेट। अब मजा आएगा क्वेश्चन में। ओके, इसमें प्लस कर देता हूँ, ठीक है, अब मजा आएगा ना जी, अभी भी मजा नहीं आएगा क्या? हाँ आ जाएगा यार, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, हो गया, हो जाएगा जी, बन जाएगा जी। बनाओ इसे, बनाइए, मैं इसको ज्यादा बड़ा लिख दिया हूँ, ठीक है, बनाओ इसे। सबसे पहले ब्रैकेट के बारे में सोचना होता है, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होता है, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट का काम करते हैं, रेखा ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के बाद मंझली ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट के बाद बिग ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट के बारे में सोचने के बाद किसके बारे में हम लोग सोचते हैं, पहले ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, ठीक है, ऑफ मतलब भी गुना ही होता है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, फिर गुना का काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर एड का काम करेंगे यानी जोड़ने का काम, फिर घटा काम। पहले ब्रैकेट के बारे में सोचो, सबसे पहले ब्रैकेट में रेखा ब्रैकेट का काम करते हैं, तो रेखा ब्रैकेट में ये नंबर है, ठीक है, दोनों जोड़ में तीन और तीन कितना होगा, छः। ओके, तो ये आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, 12 भाग तीन तीन छः, पहले रेखा ब्रैकेट का काम करेंगे ना, तो रेखा ब्रैकेट में तो एक ही है, एक ही यहाँ पे साइन दिया हुआ है ना, मान लो रेखा ब्रैकेट में 3 + 3 - 2 - 3 = 4, मान लो सारा का सारा रेखा ब्रैकेट में, रेखा ब्रैकेट में, तो अब देखो रेखा ब्रैकेट में कितने आपको साइन दिख रहा है, एक प्लस, एक माइनस, एक का साइन दिख रहा है, एक ऑफ का साइन दिख रहा है, तो सबसे पहले ऑफ का काम आप करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, मान लो ये बहुत सारे टर्म रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, तो 3 + 3 - 4 = 12, का मतलब गुना होता है ना, तो गुना कर दिया, चल दिया 12, अभी ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस वाले को एक साथ 3 + 3 = 6 - 12। ओके, अब यहाँ से जो है रेकरिंग यहाँ से हट जाएगा, ओके, क्योंकि अब जो है, लो एक बार और रेकरिंग यहाँ पे मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर दो, -6 होगा आंसर, क्योंकि माइनस का साइन क्या है, बड़ा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ओके, इसको अब आप सोल्व करो पहले, ठीक है, पहले इसे आप सोल्व करो, ठीक है, पहले आपने रेखा ब्रैकेट का काम किया, अभी सारा का सारा इसे लिख दो आप, ऐसे जिसका काम किया, ठीक है, बाकी सारा को क्या करो आप, लिख लो आंख मूंद के, ठीक है जी। चलो, एक ब्रैकेट खत्म, दूसरा क्या, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट का काम करते हैं, स्मॉल, तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, हाँ है, ये रहा, तो स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में देखो दो साइन है, एक का साइन है, एक भाग का साइन है, तो पहले किसका काम करते हैं, का काम करते हैं, ठीक है, तो का काम करेंगे, यहाँ प्लस है यार, 18 प्लस है, 12 + 6 + 8 + 3, छोटी ब्रैकेट, 8 × 16, मंझली ब्रैकेट, अरे यार मंझली ब्रैकेट हमसे भी नहीं बन पाता है यार, अभी भी नहीं लग रहा मंझली ब्रैकेट ना, अच्छा किताब में जैसा रहता है मंझली ब्रैकेट ऐसा बना के दिखाऊं मैं आपको, देखो ऐसे ऐसे इस तरह प्रॉपरली, अच्छा लग रहा है क्या, हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है, मंझली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक मंझली ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए छोटी ब्रैकेट में और काम है, भाग का काम है, एक ही साइन है, तो आंख मूंद के एक काम कर लो, चार चौके 16, अब यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, गुना आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का आगे कोई साइन नहीं रहता है, क्या साइन रहता है, गुना साइन रहता है, ठीक है, तो गुना यहाँ पे आ जाएगा, चार चौके 16, मंझली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया भाई, तो मंझली ब्रैकेट में देखो दो साइन है, छोटी ब्रैकेट के बाद कौन सा साइन, कौन सा ब्रैकेट का काम करते हैं, मंझली ब्रैकेट, तो मंझली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका काम करो आप, ठीक है, 18 +
बारह भागा छः प्लस, अच्छा इसमें देखो एक प्लस एक गुना है, तो पहले किसका काम करेंगे, गुना का काम करते हैं पहले, उसके बाद प्लस का काम करते हैं। तो चारतिया बारह, तो आठ को ऐसे ही रखेंगे, चारतिया बारह, प्लस यहाँ पे है साइन तो प्लस दे दिया, चारतिया बारह। ठीक है, इस बार जो है ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, अठारह प्लस बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, ट्वेल्व भागा सिक्स प्लस, इसको ऐड कर दो, आठ और बारह कितना होता है बीस होता है, ऐड कर दिया बीस आ गया। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट बंद। ओके, अब देखो बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे आप, तो बड़ी ब्रैकेट में देखो दो साइन है, एक भाग एक प्लस का, पहले किसका काम करेंगे, भाग का, अठारह प्लस छः दूनी बारह, बड़ी ब्रैकेट बंद, अठारह प्लस दो और बीस एक ही साइन है, काम कर लो बाईस हो गया, प्लस प्लस उठता है प्लस माइनस रहता है, अठारह और बाईस कितना होगा जोड़ लो, आठ दो दस बाकी एक, दो एक तीन एक चार, चालीस आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि एच डब्ल्यू रहेगा, आप लिख आप लोगों के लिए आप खुद से बनाना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको खुद से बनाना है। ओके, सोलह भागा सिक्स, अरे यार सोलह भागा नहीं करता हूँ, प्लस थ्री प्लस टू प्लस चार, यहाँ से यहाँ तक रेखा ब्रैकेट, प्लस एट टाइम्स एट भागा टू का टू प्लस पचास, ये आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर वन है ये, क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी प्लस मंझली ब्रैकेट स्टार्ट, आठ प्लस दो प्लस थ्री टाइम्स छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, एट भागा टू का फोर प्लस चार, मंझली ब्रैकेट जब स्टार्ट हुआ है तो बंद भी होगा सर, बंद नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये बंद मैंने कर दिया, ये हो गया दो क्वेश्चन। ओके, दो क्वेश्चन आपको बनाना है जो कि मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से बोर्ड मार्क्स को समझने की कोशिश किया है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।